पर आपका जोरदार स्वागत है इस जाने पहचाने प्रोग्राम में जिसे कहते हैं ज्योतिष विज्ञान। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जाने पहचाने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गुलशन कथुरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ओम ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र के जाने पहचाने ज्योतिषाचार्य हैं। और जैसे कि हमारा इनके साथ तय हुआ था कि हमारे हर एपिसोड में ये बताएंगे कि ज्योतिष का, रत्नों का और वास्तु शास्त्र का और टैरो कार्ड का, न्यूमरोलॉजी का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ज्योतिष के बारे में और अब हम बात करेंगे रत्नों के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ले मैन की तरह ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि कहीं हम सड़क पर जा रहे हैं तो लाल पीले पत्थर देखते हैं जिन्हें रत्न कहा जाता है, या हम किसी ज्योतिष केंद्र में जाते हैं तो वहां पर भी हमें रत्न पहनने के लिए कहा जाता है, ये रत्न सर कहाँ से आते हैं वैसे? हाँ, ये आपके एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो पहला वो जो आपने कहा कि ये जो सड़क पर जाते हैं तो रंग बिरंगे पत्थर लेकर लोग बैठे होते हैं, तो बस वो तो मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहूंगा कि भाई दिल को बहलाने को गाली के लिए ख्याल अच्छा है, क्योंकि वो सभी कांच के टुकड़े होते हैं। और जो जहां तक इनकी प्राप्ति का की बात है, तो सबसे प्रथम जब समुद्र मंथन हुआ, हमारे शास्त्रों में वर्णन है इसका, हमें वहां से प्राप्त हुए थे ये। और इनका क्या कार्य क्षेत्र रहेगा, किस तरीके से लोग इसको धारण करेंगे, किस समय धारण करेंगे, किस कष्ट में धारण करेंगे, या धनोपार्जन के लिए, सुख सुविधा के लिए, ये सब बातें वहां उसी समय तय हुई थी। और इनकी प्राप्ति जो मुख्य प्राप्ति है वो हमें चट्टानों से ही मिलती है। सिर्फ एक मूंगा जी जो स्टोन है जी, जिसे हम रत्न कहते हैं, मुख्य रत्न है, वो हमें समुद्र की तलहटी से प्राप्त होता है। अच्छा, हाँ जी, सही है, बात मुझे नहीं पता थी। हाँ, चलिए, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगी जी। बाकी सब चीजें, या फिर जैसे कोयले से हमें हीरा प्राप्त होता है, तो क्योंकि 100% प्योरिफाइड और मैच्योर कार्बन है वो, बाकी सब हमारे चट्टानों से। हाँ, चट्टानों से है, चाहे वो नीलम है, पुखराज है, पन्ना है, माणिक है, सभी नग में चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो सर, हमारे जीवन पर ये जो रत्न होते हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर किस तरह से ये रत्न कार्य करते हैं? हाँ, ये एक मुख्य सवाल है, किस तरीके से कार्य करते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है, बात एक ही है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति पर किसी ग्रह की जो दशा, महादशा या जन्मपत्री में बैठे हुए ग्रह, जिसे हम नीच के ग्रह कहते हैं, जब वो बुरा, उनकी अगर दशा या महादशा चल रही होती है, अंतरदशा जिसे हम कहते हैं, वो अगर बुरा प्रभाव दे रही है, तब हम उस बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए उस ग्रह से संबंधित नग पहना देते हैं, जिसे हम रत्न कहेंगे जी, वो पहना देते हैं, उससे वो बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं धीरे धीरे। और जो हमें इन ग्रहों से जो आभा प्राप्त होती है, तो वो उसके जरिए, जस्ट लाइक जैसे सैटेलाइट का है ना, उसने या हमारा जो ये टावर होते हैं जी, या डिश जैसे समझ लीजिए, वो कैच करके और हमारे टीवी तक पहुंचाते हैं जी जी, इसी तरीके से वो जी वो हमारे तक एनर्जी पहुंचाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा कि हमें कब और क्यों रत्न पहनने चाहिए, किस वक्त धारण करना चाहिए? देखिए, जहां तक कब और क्यों और किस वक्त की बात है, तो वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जब भी किसी ग्रह की दशा या महादशा या हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होता है, तब हम उसको धारण करवाते हैं जातक को। और हम इन सब के पहनने के समय अलग अलग हैं, तो जैसे जो माणिक है वो हम सुबह के समय पहनाते हैं, पन्ना है सुबह के समय पहना देते हैं, मोती है वो भी हम सुबह के समय पहनाते हैं, और पुखराज है वो भी हम सुबह के समय ही पहना देते हैं, सुबह मीन्स 12 बजे से पहले पहले, 8 बजे के बाद। लेकिन एक जो गोमेद है, राहु का रत्न है, तो वो हमेशा जब भी आप धारण करें, दिन का विचार करें या ना करें, लेकिन समय का विचार जरूर करें,
और वो होता है इसका राहु का समय होता है पक्की शाम। पक्की शाम मीन्स जब सूर्य छिप रहे हैं और अंधेरा शुरू होने वाला है उस समय उसको धारण करते हैं। और जो लहसुनिया इंग्लिश में उसको कैट्साई भी बोलते हैं, इसका जो समय है वो सूर्य निकलने से एक घंटा पहले का है कि उस समय अगर आप इसको पहनेंगे तो इसके प्रभाव आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और आप जिस भी मकसद के लिए आपने पहना है या जिस समस्या के लिए के निवारण के लिए आपने पहना है वो आपको अच्छे। और सर ये रत्न होते कितने प्रकार के? रत्न तो मुख्य तो रत्न दो ही है। अच्छा, मैं इनका वर्णन कर रहा हूँ। सूर्य का जैसे मैंने बताया कि माणिक है, बृहस्पति का पुखराज है और बुध का बलना, शुक्र का हीरा और चंद्रमा का मोती, शनि का नीलम और राहु और केतु का गोमेद और लहसुन। बहुत बढ़िया सर। एक चीज मैंने एक शब्द और सुना है वो है उपरत्न, कहीं से मैंने सुना था, क्या ये भी उपरत्न नाम की भी कोई चीज होती है? और क्या ये रत्नों से अलग होते हैं या फिर क्या रत्नों की तरह काम करते हैं? ये होता क्या है उपरत्न? उपरत्न तो कांच के टुकड़े हैं। अच्छा, कांच के टुकड़े जी। तो और क्या ये रत्नों से इनका कोई संबंध है? नहीं नहीं, इनका रत्नों से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ दिल को मैंने कहा ना, दिल अच्छा, दिल को बहलाने को गाली दिए। अच्छा, सही। थोड़ा सा मैं यहाँ और मतलब क्लियर कर दूं कि चूंकि व्यक्ति अभाव में ही होता है और अक्सर जो मध्यवर्गीय या गरीब परिवार के लोग हैं वो उन लोगों को सिर्फ ठगने के लिए या उनके मानसिक संतुष्टि के लिए वो पहना देते हैं ये जो कांच के टुकड़े हैं जिन्हें हम उपरत्न के नाम से जानते हैं, वो उनको पहना देते हैं। तो सर फिर से रत्नों पे लौट आते हैं। अब सर एक जैसा भी आपने कहा था कि आर्टिफिशियल भी होते हैं, तो हम रत्नों को असली रत्नों को पहचाने कैसे? हाँ, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस भी जिनसे भी आप ले रहे हैं, अब तो बड़ी सुविधाएं हो गई हैं, लैब आ गई है, मात्र 100 रुपए में वो टेस्ट हो जाता है। अगर आपको किसी पर शंका है, आपने ले लिया है कोई नग, आप उनसे लिखवा कर ले लें और उसको लैब टेस्ट करवा लें, तो वो सबसे आसान तरीका है आज की तारीख। अदरवाइज आप एक असली नग ले लीजिए और एक नकली नग मतलब उपरत्न जिसे मैं कहूँगा आप कह रहे हैं वो ले लीजिए, तो आपको अपने आप ही पता लगेगा, देखने से ही पता लगेगा कि भाई ये असली है ये नकली है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात ये है कि सभी जैसे आपने कहा कि जो हमारी राशियां हैं उनके हिसाब से रत्न निर्धारित है, तो क्या सर जैसे कुछ लोग नाम के हिसाब से भी रत्न पहनते हैं, भाई इनका नाम ये है तो इस नाम के साथ में रत्न जो है उसके हिसाब से पहना जाए, तो इससे भी क्या समस्या का निवारण हो सकता है? नहीं, ये तो ऐसा है कि धूल में लट मारने वाली बात है। अच्छा अच्छा, देसी आदमी हो ना, तो मैं तो यही कहूंगा कि धूल में लट मारने वाली बात है कि चलो कोई ग्राहक आया, इसको किसी ना किसी तरीके से कुछ देना है, दिहाड़ी बनानी है, जेब में डालने कुछ पैसे, तो भाई जाते जाते चलो भागते दूध के मोटी से कि भाई तेरा नाम तो कुंभ राशि का है तो तू नीलम पहन ले। अरे नहीं, नीलम तो बहुत महंगा है, तू यार ये सस्ता नग पहन ले, चल ये नीली है, अगर ये तेरे को लाभ कर जाती है तो फिर तुम नीलम धारण कर। सही बात है, ठीक है जी। जबकि कायदा यही है कि जब भी आप पहने रत्न पहने, अपनी जो आपकी जन्म पत्रिका है उस हिसाब से एक अच्छा ज्योतिषी तय करेगा इस बात के लिए कि आपने, पहली बात यह कि आपने रत्न पहनना है या नहीं पहनना है। कई बार ऐसा होता है लोग शौकिया तौर पर पहन लेते हैं, और जबकि जिस ग्रह की जो महादशा है जब वो चल रही होती है और वो आपको बहुत बेनिफिट दे रही होती है, बहुत लाभ दे रही होती है, और वो उसी समय एक अनाड़ी ज्योतिषी जो है वो आपको, मान लीजिए कि शुक्र की दशा चल रही है और आपके पास पैसा है, उसने भी अपना कुछ कमाना है, तो वो पेट तो सबके साथ लगा हुआ है, सीधी सी बात। सही बात है, तो वो उसको हीरा ही पहना देगा। ठीक, अब वो हीरा जैसे ही वो व्यक्ति पहनेगा तो उसको जितने सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही थी सबके सब गड्ढे में चली जाएंगी, और वो ये सोचेगा कि मैंने ये धारण किया और इसी का नग किया, शुक्र का नग, और फिर भी मैं मतलब पहले से मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरी आमदनी बंद हो गई है, मेरी सुख सुविधाएं खत्म हो गई है, मैं बीमार हो गया हूँ।
तो वो यहां वो माइनस में चला जाएगा। तो केवल राशि के नाम से नग पहनना वो गलत है। आप उसको अपनी जन्मपत्री से, और जन्मपत्री नहीं है, आप बात यह आती है कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई मेरा भाई मैं कब पैदा हुआ या मैं किस समय पैदा हुआ, कौन से सन में पैदा हुआ। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप किसी ज्योतिषी के पास जाइए, अगर आपकी कोई समस्या है उसको अपने मन में रखिए और उनसे कहिए ज्योतिषी से कि भैया मेरा परिश्रम लगन बना लीजिए और इसकी समस्या के निवारण हेतु मुझे आप जो उपाय बताएंगे या कोई नग पहनाएंगे तो मैं पहनने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय वो तय करेंगे इस बात के लिए, आपकी सारी घटनाओं को जोड़कर देखेंगे कि वर्तमान में आप किस अंदाजे से, क्योंकि सभी ग्रह का अपना अलग अलग काम है, सभी का, जो आपको अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा। तो अगर आप जो शौकिया तौर पर गए तो मैं कहता हूँ शौकिया तौर पर स्टोन कभी मत पहनिएगा, रत्न कभी मत पहनिएगा, जब जरूरत हो तभी पहनिए, क्योंकि अगर भूख नहीं लगी है और आप खाना खा लेंगे तो उसके बुरे प्रभाव के लिए मैं आपको व्याख्या तो ना ही करूं तो ज्यादा अच्छा है। पर इसी प्रकार से अगर आप नग भी पहनते हैं तो बड़ा सोच समझ कर पहनिए, यूं ही नहीं पहन लेना, इसको बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ये हमारे जीवन की। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरे हिसाब से, और वो ये कि शरीर के कौन कौन से हिस्से में हम रत्न धारण कर सकते हैं, और इसको अगर मैं यूं कहूँ कि बहुत से लोगों को तो मैंने उंगलियों में ही पहने हुए देखा है, खासतौर पे ये जो आपकी ये वाली जो फिंगर है, तो इसके अलावा कौन कौन सी उंगली में या कौन कौन से शरीर के और हिस्सों में रत्न धारण किए जा सकते हैं? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल हमने अपने जो ये हाथों की उंगलियां हैं इनको, इनके जो ग्रह हैं वो नियुक्त किए हुए हैं, पहले पूर्व निर्धारित है। पहली उंगली जो है हमारी वो बृहस्पति की है, दूसरी शनि की है, तीसरी हमारी सूर्य की है और चौथी हमारी बुध की है जी। और ये जो हाथ है, इस हाथ के अंदर ये तो उंगलियां तो हमारी तय हो गई, इनके नीचे यहां तक हथेली के अंदर जो जो ग्रह का हमने हथेली में स्थान दिया है, जैसे बृहस्पति के नीचे यहाँ शुक्र आ जाता है जी, ठीक है जी, शनि के नीचे हमारे यहाँ राहु और केतु आ जाते हैं जी, और सूर्य के, जो सूर्य की उंगली है इसके नीचे हमारा यहाँ चंद्रमा आ जाता है, और इसके जो नीचे है जो सबसे छोटी उंगली है बुध वाली उंगली, उसके नीचे हमारा चंद्रमा आ जाता है। तो हमें ये जो जो नीचे हथेली के अंदर जो ये हमारे ग्रह जो ग्रह बैठे हैं उनकी भी जो हमने रिंग पहननी है या मतलब अंगूठी पहननी है या नक जड़ी हुई अंगूठी पहननी है, तो वो हम इन्हीं उंगलियों पर पहनेंगे, ना कि किसी और उंगली में। ये तो आगे आपकी इस बात का जवाब। इसके अतिरिक्त फिर हमारा आता है कैलकुलेशन के हिसाब से, वो सिर्फ लाल किताब में है, वो और किसी में नहीं है, प्राचीन ज्योतिष में नहीं है, सिर्फ लाल किताब में है जी। लाल किताब मतलब शायद समझने वाले समझेंगे, लेकिन अगर कोई मेरी बातों को गहराई से समझेगा तो वो भी जान सकता है। मान लीजिए जो हमारी कुंडली के अंदर जो 12 घर होते हैं ना, 12 खाने होते हैं जी, उसमें 4 बड़े खाने होते हैं जिसको हम केंद्र बोलते हैं जी, और जो 8 हैं वो त्रिकोण कहलाते हैं। तो अगर सारे जो हमारे 9 ग्रह हैं अगर उन त्रिकोणों में बैठ जाए और केंद्र खाली हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घटित होती है, जैसे ये मानकर चलिए कि बच्चे हैं, पियन है, टीचर है, सभी कुछ है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है, तो उनको गाइड कौन करेगा, कैसे हैंडल करेगा कोई? इतिहास गवाह है इस बात का कि जब राजा की गद्दी, अगर राजा अचानक मर जाए तो अगर वो गद्दी जब खाली हो जाती है तो एडमिन केंद्र खाली हो जाता है, तो ये इतिहास गवाह है कि वहां उपद्रव ही उस शहर में या उस राज्य में हमेशा उपद्रव हो जाते हैं। उसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि इसको प्लीज जो भी दर्शक है उसको बुरा ना मानिए, जब इंदिरा जी हमारी एक्सपायर हुई थी तो कितना बड़ा उपद्रव हुआ, यानी प्रधानमंत्री यानी जो होल्ड करने वाला था, गाइड करने वाला था जी, वो जब अपनी उसकी कुर्सी खाली हुई तो देश में उपद्रव हो गया। ये ताजा उदाहरण है, ध्यान रखिए जी।
इसी प्रकार से हम अगर पुराने इतिहास में देखें तो जब जब राजा की, और इसीलिए होता यही है कि जब भी कोई राजा एक्सपायर हो जाता है तो उसकी मौत का जो जो समाचार है उससे पूर्व ही पहले ही किसी को निर्धारित कर दिया जाता है कि ये कार्यवाहक राजा बना दिया गया, उसके बाद उसकी घोषणा करते हैं ताकि देश के अंदर अमन और शांति बनी रहे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वो मूव जो जो हमारे जो जन्मपत्री के अंदर जो वो केंद्र है अगर वो खाली हो तो उस समय हम ये तय करेंगे कि उनकी कुंडली में जो सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह है उसका नगम गले में पहनाते हैं जी। अच्छा, तो हम ये मानकर चलते हैं, लाल किताब ये मानकर चलती है कि वो, और उसके रिजल्ट हमने देखे हैं अपने जीवन में कि जब भी किसी का केंद्र खाली होता है और हम उसको अगर वहां किसी ग्रह को बिठा देते हैं, उसके जग को हम वहां पहुंचा देते हैं, थोड़ा सा विधिवत रूप से ये कार्य होता है तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो डॉक्टर साहब एक और बात, वैसे तो बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन समय जो है एक बार फिर इशारा कर रहा है कि हम आज की चर्चा को यहीं पे रोकें। हालांकि ज्योतिष विज्ञान और उससे जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं ये इतना बड़ा विषय है, इतना वास्ट है इसका जो फील्ड है कि हम उसके बारे में जितनी बार चर्चा करें, जितने घंटे चर्चा करें, जितने एपिसोड बनाए वो कर लें, इसलिए हमने एक एक टॉपिक को एपिसोड वाइज बांटा है। जैसे पिछली बार हमने ओवरऑल ज्योतिष शास्त्र की चर्चा की, इस एपिसोड में आपने लग्नों के बारे में अच्छे से समझाया और अगले एपिसोड में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। अभी तो बहुत सारे जैसे वास्तु शास्त्र है और इसके अलावा आपका टैरो कार्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र है, तो ये हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सर आपका यहाँ आने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले एपिसोड में आप फिर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। जरूर, आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता है और मिलता रहेगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जीवन में सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़े क्वेश्चन करने पड़ते हैं, सवाल करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ अगर आप कहीं भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आप उनसे सवाल जरूर कीजिएगा, आँख बंद करके विश्वास ना करें, बस मैं इतनी गिनती करूँ। तो मेरे भाई इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं, अगले एपिसोड में फिर भेंट होगी। नमस्ते।